बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में अभी तक हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं। पहले तो हमने इंटीग्रेशन की बात की थी कि इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है, उस इसे फाइंड कैसे किया जाता है। और फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं, डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं, डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े हैं, ठीक है। और बाय पार्ट्स का मेथड हमने पढ़ा जैसा कि, और उसके अलावा इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग जो है पार्शियल फ्रैक्शन हमने देखा, ठीक है, डिफरेंट थ्योरम्स भी हमने देखे। तो वो सब क्या था कि हम इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हैं। अब हम एक्चुअल इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको याद हो तो हमने इंटीग्रेशन की बात की थी, इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात की थी, ठीक है। सपोज मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और उसकी मैं इंटीग्रेशन फाइंड करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास कोई ना कोई इसका यानी कि वो फंक्शन आ जाता है जिससे ये ड्राइव हुआ है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ कि वो ये एफ ऑफ एक्स जो है वो फाई ऑफ एक्स से ड्राइव हुआ है, यानी कि फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया तो हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया, ठीक है। उसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास दोबारा से फाई ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। और फाई ऑफ एक्स हम सिर्फ नहीं लिखते, ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ फाई ऑफ एक्स नहीं लिखूंगा, उसके साथ प्लस सी भी लिखूंगा। इसकी क्या वजह है, ठीक है, ये था इनडेफिनेट इंटीग्रल, प्लस सी हम इस वजह से लिखते थे। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन उसे करूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं इसका रिलेशन बता दूं कि फाई ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि फाई ऑफ एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आता है, मतलब कि फाई ऑफ एक्स से डिराइव हुआ है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जब आप इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो वो फाई ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और प्लस सी फिर हम क्यों लिखते हैं, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से लिखते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूं, मतलब कि 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन फाइंड करूं, 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करूं, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी मौजूद है, उसका डेरिवेटिव है, और मैंने क्योंकि इस साइड पे इंटीग्रेशन ली है तो इक्वेशन है, दोनों साइड्स पे मुझे इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से आप देखें तो ये डी एक्स जो है इस डी एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डेरिवेटिव डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में इनवर्स हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। या तो आप इसकी इंटीग्रेशन भी फाइंड करके देख सकते हैं, आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लें। सपोज मैं इसकी इंटीग्रल फाइंड करता हूँ 2x, अब तो आपको आ चुका है ना इंटीग्रल फाइंड करना, तो हम इसकी इंटीग्रल इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं प्लस, क्योंकि ये दो फंक्शन है आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इसको सेपरेटली जो है अलग-अलग इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, टू बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, टू टू से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर मैं सिंपल लिख रहा हूँ, और प्लस वन है। अब वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो एक्स होता है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि यहाँ से प्रूव हो गया कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इंटीग्रल में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, सपोज मेरे पास एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये फंक्शन है, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ तो हमारे पास आता है टू एक्स प्लस वन प्लस जीरो, ठीक है, यानी कि 2x प्लस 1 ही आ रहा है। अब मैं दोबारा से इसका इंटीग्रल लूँ तो मेरे पास ये फंक्शन आना चाहिए जिससे ये ड्राइव हुआ है, ठीक है, तो 2x प्लस 1 का इंटीग्रल ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस साइड पे मैंने इंटीग्रल लिया है तो मुझे लेफ्ट साइड पे भी लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का इंटीग्रल, यानी कि साथ में यहाँ पर डेरिवेटिव भी मौजूद है और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, x dx, अब यहाँ पर dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस वन, ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ से इस रिजल्ट से आप देख सकते हैं, इस रिजल्ट से और ऊपर वाले इंटीग्रल के रिजल्ट से आप देख सकते हैं, कंपेयर करें तो क्या है, ये भी इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस वन है,
ठीक है, सेम फंक्शन, और यहाँ पर भी इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 है, सेम फंक्शन है, लेकिन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है और इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5। यानी कि ये क्या, ये डिफरेंट फंक्शन से यानी कि डिराइव हुए हैं, इसका ये मतलब है? तो जी हाँ बिल्कुल, इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस कॉन्स्टेंट की वजह से, मतलब कि अगर आप दोबारा एक और लें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस चले 100 कर लें, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा। तो दोबारा से इसका इंटीग्रल फाइंड करें, ठीक है, दोबारा से इसका भी इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर प्लस क्या है, 0 है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5 है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 100 है। तो डिफरेंट यानी कि इसके ड्राइव फंक्शन आ, जो इससे ये ड्राइव हुआ है, तो वो फंक्शन आ रहे हैं। तो इस कांस्टेंट की वजह से हम कहते हैं कि इसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी कह देते हैं। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल इस वजह से कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, x इंटीग्रल के अंदर और 1 की इंटीग्रेशन अलहदा से, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर बाय 2 और 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रल x होता है, और साथ में इंटीग्रल फाइंड करने के बाद आप प्लस सी कर देते हैं, मतलब के आप जनरलाइज कर देते हैं कांस्टेंट को। तो इसका रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी, मतलब सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 100 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अब इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, अभी भी मैं हमने थोड़ा सा देखा, अब हम आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल नाम से जाहिर है कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज मैं डेफिनेट इंटीग्रल बताने से पहले मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा सा ग्राफिकली इंटीग्रेशन को देख लेते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसका हम इसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो बल्कि इसको पहले हम ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे आएगा, एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, मतलब एक टेबल बना लें आप, ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज ले लें और वाई की वैल्यूज फाइंड करते जाएं। सपोज एक्स की वैल्यूज आप लेते हैं जी 1 लेते हैं, तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आती है, एक्स की जगह 1 पुट करें वाई की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, उसके बाद एक्स की जगह अगर आप 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और वाई की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 3 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि वाई जो है इक्वल है एक्स के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से आप अब करें कि 0 पुट करें तो दोनों 0 आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब नेगेटिव साइड पे जाते हैं, -3 पुट करें, -3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 ही आएगा, ठीक है, वाई नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। उसके अलावा 2 पुट करें तो आपके पास 4 आएगा, बल्कि -2 हमने पुट करना है, तब भी स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। उसके अलावा आप 1 पुट करें, -1 पुट करें, तब भी आपके पास क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा। मतलब इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हैं, 0 0 ही आ गया। उसके अलावा जब आपके पास एक्स 1 है वाई भी 1 है, सपोज ये पॉइंट बनता है, ठीक है, ये इस तरह से ये पॉइंट बनता है। उसके अलावा 2 पे 4, एक्स जब 2 है तो ये 4 हो जाता है, ठीक है, इस तरह से ये 2 और 4 कर हमने पॉइंट बना दिया। 3 और 9, ये सपोज एक्स यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये 1 2 3 इस तरह से बना लेते हैं, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसका 9 यहाँ करके इस तरह से आएगा, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी आ रहा है,
y की वैल्यूज तो पॉजिटिव ही आ रही हैं, ये आ गया, उसके अलावा इधर कहीं होगा पॉइंट, ठीक है। मतलब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर इसका यानी कि ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे आप। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको ज्वाइन कर लेते हैं, मैं इनको ज्वाइन करने जा रहा हूँ इन पॉइंट्स को, इस तरह से ये पैराबोला टाइप बन जाती है, ठीक है, पैराबोला बन जाता है। इस तरह से इसका ग्राफ होगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह से यानी कि इसका ग्राफ आ जाएगा। कोई भी फंक्शन होता है उसका आप ग्राफ बना सकते हैं, एक्स और एक्स की वैल्यूज पुट करें और वाई की वैल्यूज आप निकालते जाएं वहां से, ठीक है। तो अब यहां से हमने देखना क्या है, हमने देखना ये है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं ग्राफिकली, उसकी क्या यानी कि हकीकत है कि हम ग्राफिकली इंटीग्रेशन क्या चीज है, ठीक है। तो ग्राफिकली ये है कि ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ग्राफ की लाइन, ठीक है, यानी कि ग्राफ की ये बाउंड्री है ना, तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के दरमियान जो रीजन बनता है वो एरिया, मतलब कि ये जो मैं जिसको शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा एरिया बनता है, उसके अलावा ये भी सारा एरिया बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये मतलब कि हमारे पास ये एरिया आ रहा होता है, इसका एरिया आ रहा होता है इस रीजन का, किस रीजन का, अबव एक्स एक्सिस एंड बिलो कर्व, ठीक है, मतलब के कर्व जो ग्राफ की कर्व है उसके उससे बिलो और एक्स एक्सिस से अबव, इन दोनों के दरमियान में जो रीजन बाउंड होता है उसका एरिया हमारे पास इंटीग्रेशन से आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर चलें एरिया हमारे पास आ रहा है, ठीक है, किसी फॉर्म में आ सकता है, किसी मतलब फंक्शन की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि सपोज मैं कहता हूँ 1 से 3 तक मुझे जो है एरिया चाहिए, ठीक है। तो वो एरिया क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये एरिया ये बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जो है हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा, तो ये सारा एरिया बनता है, ये सारा एरिया बनता है जो मुझे अभी रिक्वायर्ड। मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक मुझे जो है इस ग्राफ का एरिया चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, ऐसे फाइंड कर लूँगा, ठीक है। ग्राफिकली अभी मैं बता रहा हूँ, हम मैथमेटिकली यानी कि उसको किस तरह से देखेंगे या उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे एरिया की, वो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने बात की कि हम एरिया किस तरह से फाइंड कर रहे हो, मतलब एरिया जब इंटीग्रेशन फाइंड करें तो हमारे पास क्या ग्राफिकली उसकी हकीकत है, ठीक है। तो वो एरिया होता है उस रीजन का जो कि कर्व से बिलो और एक्स एक्सिस से अबव जो रीजन होता है उसका एरिया आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम बाउंड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से मैंने कहा कि 1 से लेकर 3, तो इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये सारा का सारा एरिया आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 से लेकर 3 तक ये मैंने लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको कहा जाएगा अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट यहां पर क्या है, 1 है, और अपर लिमिट यहां पर क्या है, 3 है। यानी कि 1 से लेकर 3 तक मैंने एरिया को बाउंड कर दिया, रीजन को बाउंड कर दिया, और उसको उसका मुझे एरिया चाहिए, इस वजह से मुझे मैंने उसका क्या लिख लिया, इंटीग्रल लिख लिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरे पास एरिया आ जाएगा जिसको मैंने शेड कर दिया। अच्छा, अब यहां से हम ये देखेंगे कि ये एरिया मतलब कैसे, हमने देखा कि इसके इक्वल आता है, ठीक है। सपोज मैं करता हूँ कि यही चलें ग्राफ बना लेते हैं, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हम दोबारा से ग्राफ बनाते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इस तरह से ग्राफ बन रहा था, ठीक है, ये पैराबोला बन रहा था। तो अब हमने क्या किया था कि यहाँ से लेकर ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर 3 2 है, या 3 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, और यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा था जी 1 पे 1, उसके अलावा 2 पे हमारे पास क्या आ रहा था, 4, और 3 पर हमारे पास आ रहा था 9,
ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट्स आ रहे थे। तो हमने क्या किया, अब हमने देखा कि ये ट्राइंगल्स अगर हम बनाए यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से मैं ट्राइंगल्स बनाऊ, मतलब उस ग्राफ से लेकर नीचे एक्स एक्सिस तक मैं रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, ट्रायंगल में बात कर रहा था, ये रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, इस तरह से ये क्या है, रेक्टेंगल्स मैंने बनाई एक्स एक्सिस और ग्राफ के दरम्यान। अब मैं इन रेक्टेंगल्स, क्योंकि रेक्टेंगल्स मैं क्यों बना रहा हूँ, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं रेक्टेंगल्स क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप देखें अभी तक हमने जो मैथ में पढ़ा वो क्या है, ट्राइंगल का हमें फार्मूला पता है, इसका एरिया ट्राइंगल का किस तरह से फाइंड करना होता है, ठीक है, रेक्टेंगल हमने देखी कि इसका एरिया किस तरह से फाइंड करना होता है, स्क्वेयर हमने देखा स्क्वेयर क्या होता है और उसका एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है, ठीक है, मतलब इस तरह की जो डेफिनेट शेप्स होती हैं, जो रेगुलर शेप्स होती हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है, उनका एरिया फाइंड करना बहुत आसान होता है और हम पहले छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये इररेगुलर शेप है, कोई मतलब कि एक डिफाइंड शेप नहीं है, ये इररेगुलर शेप है, कोई भी शेप हो सकती है, सपोज मैं कहता हूँ कि इस तरह से ये शेप है, ठीक है, और आपके पास ये इस तरह से ग्राफ बन रहा है, तो इसका एरिया किस तरह से आप बाउंड करेंगे, मतलब सपोज ये इधर से लेकर इधर तक एरिया है तो ये कौन सी शेप बनती है, कोई शेप नहीं बनती है, ठीक है, ये भी आप देखें ये एक साइड कर्व्ड है और एक चलें दो तो साइड ठीक है लेकिन एक साइड कर्व्ड है, तो इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं कि हम इसके यानी कि रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स का एरिया हमें पता है किसके इक्वल होता है। अब सपोज हम करते हैं यहाँ से आप देखें कि ये एरिया जो मैं यानी कि शेड कर रहा हूँ यहाँ पर ये स्किप हो रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल्स बनाने से ये भी स्किप हो रहा है, ये भी स्किप हो रहा है, मतलब कि उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, रेक्टेंगल्स का अगर मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ तो ये भी स्किप हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम अच्छा रेक्टेंगल्स की विड्थ इस तरह से बात करें, ये यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स है, तो इसका यानी कि हर एक रेक्टेंगल की विड्थ क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स हमने ले ली है, उसके अलावा फिर लेंथ या हाइट आप उसकी बात करें तो ये फंक्शन पे आएगी, ये भी मतलब ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये भी फंक्शन पे आएगी, ये भी फंक्शन पे आएगी, यानी कि वाई पे हम इसकी वैल्यूज जो है लेंथ की देखेंगे, तो हम उसे सिंपली कह सकते हैं कि वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसके अलावा आप अगर एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें किससे, डेल्टा एक्स से, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, तो लेंथ इसमें एफ ऑफ एक्स आ रही है हर एक के लिहाज से, सपोज पहली रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो उसमें जो भी डेल्टा एक्स तो सेम ही रहेगा लेकिन जो उसकी हाइट होगी उसके मुताबिक यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन आएगा, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक आएगा, ठीक है, तो मैंने जनरली लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है उसकी लेंथ है और विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स है, लेकिन यहाँ से हमारे पास जो है एरिया ये स्किप हो रहा है, इसका अब हम क्या करें, ये तो बहुत सारा एरिया बन जाता है अगर इसको आप सम करें तो, ठीक है, तो ये तो स्किप हो रहा है, अब हम इसका ये सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल्स बनाऊं कि मतलब इसकी विड्थ और कम कर दूं तो मेरे पास ये हो सकता है कि ये एरिया बच जाएगा, मतलब कि इसमें इंक्लूड हो जाएगा, मैं मजीद इसको यानी कि जो है विड्थ कम कर दूं इसके रेक्टेंगल की तो हमारे पास जो है इस तरह से एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये सारा तकरीबन इंक्लूड हो जाएगा, छोटा मोटा रह जाएगा बीच में से लेकिन ज़्यादातर जो है इंक्लूड हो जाएगा एरिया, तो फिर इसको हमने डेल्टा एक्स को और मजीद छोटा किया तो हम इसे कहते हैं डी एक्स कह देते हैं, ठीक है, स्मॉलर विड्थ, तो ये एरिया जो था या ये एरिया जो है ये किसके इक्वल आया, एक स्मॉल एरिया आ रहा है ना तो इसको हम डी ए कह देते हैं, ठीक है, एरिया हमने फाइंड किया जो कि इसके इसके इक्वल है, एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है, अब हम क्या करते हैं कि इसकी इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें तो एरिया चाहिए ना, तो एरिया ए होता है इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ गया, तो यहां से आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल, अब यहां से मैंने इंटीग्रल क्यों लिख दिया, इंटीग्रल क्या है कि
आप समीशन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। समीशन यानी कि इस रेक्टेंगल का सम एरिया के सम, यानी कि सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंक्लूडेड इन दैट रीजन, ठीक है। यानी कि इस रीजन में जितनी भी रेक्टेंगल्स बन रही हैं उनके एरियाज का सम है ये, ठीक है। अब हमने इसको बाउंड किया था कि वन से लेकर जो है थ्री तक, मतलब कि वन से लेकर थ्री तक मुझे एरिया चाहिए, तो ये वन है और यहाँ पर थ्री है, इस तरह से आ जाएगा, ये थ्री है, ठीक है। तो ये एरिया जो बनता है ये मुझे चाहिए, तो इसके अंदर कितनी रेक्टेंगल्स बन रही है, अब मैं गिन तो नहीं सकता नहीं हूँ, ठीक है, तो क्योंकि बहुत छोटी छोटी रेक्टेंगल्स हमने बनाई हुई हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन से लेकर थ्री तक ये लिमिट डाल देंगे एक्स की, कि वन से लेकर थ्री तक हम मुझे एरिया चाहिए इस ग्राफ का, ठीक है। तो वन से लेकर थ्री तक हमने ये लिमिट डाल दी, अंदर वो फंक्शन जिसका ये यानी कि जिसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड या जिसका ग्राफ है ये, ठीक है, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लें तो हमारे पास उसका एरिया आ जाता है उस बाउंडेड रीजन के लिए, ठीक है। इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो अब ये डेफिनेट इंटीग्रल के आगे थ्योरम्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ फार्मूलाज हैं किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब मैंने लिमिट्स तो पुट करनी है, ये इसको इवेल्युएट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना था कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है।